हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियर सोशल एकेडमी मैं आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ। यूपी आईपीएनएल वेरियस पोस्ट के रिजल्ट्स के लिए कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किया और कई सारे स्टूडेंट्स ने यूट्यूब पर भी पूछा कि सर यूपी आईपीएनएल का फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, जो मुझे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई है, अभी कल मैंने बात किया था और आज भी मैंने बात किया, जस्ट टेकिंग द लाइव क्लास, उन्होंने ये बताया, सर ने ये बताया, मैंने लखनऊ से बात किया, एक हमारे रिस्पेक्टेड सर हैं जो सारी इन्फॉर्मेशंस को देते रहते हैं, उन्होंने ये बताया कि अभी इसमें ट्रांसफ़र चल रहा था, जैसे कि एई हैं और जो जेईज हैं और जो आपके एक्सियंस हैं, इन सभी लोगों का यूपी आईपीएनएल में ट्रांसफ़र चल रहा था। तो ट्रांसफ़र के प्रोसेस में और जो बाबूजी लोग हैं उनका भी ट्रांसफ़र चल रहा था, तो इसलिए ट्रांसफरिंग वे में और यूपी पिशल में भी आपने देखा होगा कि ट्रांसफ़र चल रहा है, इसलिए अभी आपका वो पेंडिंग में उसकी वैकेंसीज हैं। तो रिजल्ट को उन्होंने इस वीक में डिक्लेयर करने के लिए बोला है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट करेंगे और रिजल्ट को डिक्लेयर करवाएंगे। तो इस हफ्ते तक हमें इंतजार करना होगा, यानी आज है मंडे, मंडे से लेकर के और संडे के बीच में आपका रिजल्ट आने का ज़्यादा संभावना है, आने की ज़्यादा संभावना है, उन्होंने ये बताया। हालांकि ये कन्फर्मेशन उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि आ सकता है, सारी चीज़ें वेल प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो ही अगर ऐसा होता है कि रिजल्ट ना आ पाए, लेकिन अगर इसके बाद रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग डिजिटल स्ट्राइक के थ्रू रिजल्ट को डिक्लेयर करवाएंगे, क्योंकि जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग यही है कि जिस दिन आपका डेब्यू हुआ उससे एक महीने के अंदर, यानी कि फाइनलाइज रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर देना जाना चाहिए। तो 6 तारीख मैं ये मानता हूँ कि आपका लास्ट डेट था डेब्यू का, तो परेशान होने वाली बात नहीं, आज 27 है, तो एक हफ्ते में, इस हफ्ते में आपकी 5 तारीख 4 तारीख तक हो जाएगी, तो उसके बाद से हम लोग फिर स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे और रिजल्ट को डिक्लेयर करवाने के लिए, और बाकी अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग ट्विटर अभियान का भी हिस्सा जरूर बनेंगे और डिजिटल स्ट्राइक के थ्रू रिजल्ट को डिक्लेयर करवाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और आपका रिजल्ट के साथ साथ आपका सिलेक्शन भी होगा, मेरी पूरी भगवान से उम्मीद है। और आप सभी लोग जो भी इस वीडियोज़ के समय देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जिनका पेंडिंग में रिजल्ट है ना यूपी आईपीएनएल का, आप सभी का सिलेक्शन होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, मैं आपके साथ हमेशा था और हमेशा रहूँगा। थैंक यू सो मच।